कनाडा में रह रहे भारतीयों ने 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस काफी धूमधाम से मनाया। पनोरमा इंडिया की तरफ से इस दिन को खास बनाने के लिए कई तरीके के प्रोग्राम का आयोजन भी किया गया। अलग अलग समुदाय के लोगों ने अपनी संस्कृति लोगों के सामने पेश की और अनेकता में एकता का नारा बुलंद किया। इसके साथ साथ फ्लोटेड टेंट और पहली बार ड्राइव थ्रू परेड का भी आयोजन किया गया, जो अपने आप में ही बहुत ही भव्य और खास थी। यहाँ मौजूद सभी लोगों ने स्वतंत्रता दिवस खूब जोरों शोरों से मनाया। हर एक भारतीय चेहरे पर आजादी की 75वीं वर्षगांठ की खुशी का एक अलग ही नूर था। आज इंडिया डे की सेलिब्रेशन धूमधाम से हो रही है मिसिसागा में। हम 75 ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं पैनोरमा इंडिया की ड्राइव थ्रू परेड से। पहली बार हुई है ये चीज़, ये कभी भी नहीं हुई है। आप पीछे देख सकते हैं, ये सारे स्टेट्स फ्लोट्स ऑफ इंडिया हैं और ये सारी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस जिन्हें ये हर स्टेट बनाया है। आज कंपटीशन भी चल रहा है, वोट भी कर सकते हैं इनके लिए। हमारा स्टेज फुली खुला था आज, 20+ स्टेट्स की रिप्रेजेंटेशन हुई है। आज हर स्टेट से परफॉर्मेंस हो रही है, लोग अपनी गाड़ियों में आ रहे हैं, थ्रू जा रहे हैं, उनको गिफ्ट्स मिल रहे हैं सारे स्पॉन्सर्स से, बच्चे इतने खुश हैं, फ्लैग्स लहर रहे हैं। हम यही चाहते थे कि सारी फैमिलीज निकले, घरों से निकले, सेफली निकले, ताकि हमारे साथ ये सेलिब्रेशन हो सके। इसके लिए हम कम्युनिटी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी साथ जुड़ के ये आज कर सके हम। और ऑफ कोर्स हम सिटी ऑफ मिसिसागा का थैंक करना चाहते हैं, टूरिज्म मिसिसागा, क्योंकि वी आर इन दिस ब्यूटीफुल सिटी ऑफ मिसिसागा। एंड आई होप दैट यू ट्रूली एंजॉय, एंड दिस इज़ व्हाट आई कॉल रोड टू रिकवरी। इट मींस नेक्स्ट ईयर आई होप वी जॉइन इन पर्सन एंड होपफुली समवेयर ह्यूज एंड वी कैन हैव अ ग्रेट सेलिब्रेशन। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, जय हिंद। यहाँ फ्लोटेड टेंट का आयोजन किया गया, जिसमें कई प्रांतों की छवि को पेश किया गया, पर यहाँ सबसे ज्यादा मुंह खींच रही थी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण जनजीवन की अलौकिक छाप। सौम्य मिश्रा जी द्वारा उत्तर प्रदेश और देश के ग्रामीण जीवन में सस्टेनेबल सिस्टम को दिखाने की कोशिश की गई, जिसमें उन्होंने रिसाइकल, रीयूज, रिपर्पस को महत्व देते हुए गांवों में किस तरह से वेस्ट का उपयोग किया जाता है इसे दर्शाया, जैसे गोबर से खाना बनाना और बचे हुए खाने को मवेशियों को खिलाना। नमस्कार, राम राम भैया, आप सभी को सौम्य मिश्रा का नमस्कार। उत्तर प्रदेश का जो ये हमारा गांव है, इसमें आप सब लोगों का स्वागत है। हमने इस गांव को सस्टेनेबल विलेज दिखाया है कि भारत में कैसे जितने भी गांव होते हैं वो कितने सस्टेनेबल होते हैं, जीरो वेस्ट होते हैं, हर चीज़ को रीयूज किया जाता है, रीपर्पज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, लेफ्ट ओवर खाना गाय को, कुत्ते को या बकरी को खिलाया जाता है, काउ डंग को यूज़ करके कुकिंग की जाती है, इट्स यूज्ड एज अ फ्यूल। सो वी बेसिकली रीपर्पस, रिसाइकल एंड रीयूज एवरीथिंग, और हमने वही यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। तो आइए और 15 अगस्त पे एक बार फिर से गांव का दर्शन कीजिए इन कनाडा। 15 अगस्त मार्क्स द इंडिपेंडेंस डे है साड़ी इंडिया डे, ऑफ कोर्स इंडिया का इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश राज, ऑल्दो वी फॉलो अ लॉट ऑफ द ब्रिटिश कल्चर। आयरोनिकली हम इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश क्लोथ्स पहनते हैं, लेकिन फिर भी अपना इंडिया का इंडिपेंडेंस एक डिफरेंट लेवल पे है। वी हैव वर्ल्ड्स वन ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेसी नाउ, वी हैव एन इमर्जिंग इकोनॉमी, एंड वी हैव इंडियन डायस्पोरा हियर इन कनाडा, फॉर व्हिच वी आर सेलिब्रेटिंग विद पैनोरमा इंडिया। वी हैव सो मेनी इंडियन पीपल हियर, स्पेशली पंजाबी स्पीकिंग पीपल। व्हेन आई केम टू कनाडा, इट वॉज हार्ड फॉर मी टू बिलीव आई एम नॉट इन अ मिनी पंजाब। देयर वॉज द फ्लेवर ऑफ पंजाबी कल्चर, पंजाबी फूड दैट केप्ट द इंडियन इनसाइड मी अलाइव हियर। And today I'm hosting this Panorama India event gives me a different kick. So thank you GTN News for all this covering everything that's going on across Canada and especially Ontario area. Thank you Chimkor Bhai. सौम्य मिश्रा जी द्वारा पेश किया गया ग्रामीण जनजीवन काफी मन मोह रहा था और सभी को अपने गांवों की याद दिला रहा था। आज पहले तो आप सबको इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाइयां। आज हम यहाँ पर गुजरात का फ्लोट किया हुआ है पैनोरमा इंडिया और कॉन्सुलेट जनरल के ऑर्गेनाइजेशन से। तो आज हमने दो थीम रखी है गुजरात की। एक है हमारा ट्रेडिशनल, जो गुजरात का कल्चर है, चाकड़ा है, वो अम्ब्रेला है, रंगोली है, सारा कुछ। और दूसरी तरफ वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू, जो स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है, और वो यूएस का जो स्टैचू है उससे भी मतलब
बड़ा है ये, सो दैट्स व्हाई दे द वर्ल्ड रेकमेंड द टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ द, और वो हमारे गुजरात में है, सो वी हैव टू बी वेरी प्राउड ऑफ दैट थिंग्स. दे हैव अ डिफरेंट टूरिज्म थिंग्स, न्यूट्रिशन पार्क, एक्टर्स गार्डन, और काफ़ी वहाँ पर मतलब घूमने का है. सो वी हैव टू रिप्रेजेंट यूनिटी ऑफ स्टैचू इन कैनेडा. सो थैंक यू सो मच चंपो जी फॉर गिविंग अस दैट अपॉर्चुनिटी टू इन योर. और मेरा नाम चिंतन भावसर है, प्रेसिडेंट ऑफ नटराज यूथ कल्चर ऑर्गेनाइजेशन. वी हैव, हमें बहुत प्राउड है स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए, जिन्होंने इस देश के 500 राजाओं को इकट्ठा करके भारत राष्ट्र का निर्माण किया था, इसलिए उसको लोह पुरुष भी बोलते हैं, और इसीलिए उनका सबसे टॉलेस्ट स्टैचू बनाया है गुजरात में, और उसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी. मींस के सभी को इकट्ठा किया था, इसलिए इसका स्टैचू ऑफ यूनिटी नाम दिया गया है. तो इसके लिए भी हम आप सबको धन्यवाद करते हैं, और मैं संपूर्ण जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई. टुडे इन कैनेडा ताका आवर एसोसिएशन रिप्रेजेंट्स तेलुगु कम्युनिटी इन जीटीए कैनेडा. टुडे वी पुट ए फ्लोट टू कमेमोरेट आवर 75th इंडिपेंडेंस, इंडियाज इंडिपेंडेंस डे. We are celebrating here along with other states in this complex organized by Panorama. Today we displayed here both states, Telugu speaking states, Andhra Pradesh and Telangana. And Telangana's main culture is Bathukamma, and here displaying from Andhra Pradesh all the toys, how the cultivation happens from the farmers. From here you see like they put the seeds here. And all the way, the how the grains come to the house, and we depicted like that. Okay, today Telugu community, Telugu speaking people is almost like 11 crores, second most spoken language in India after Hindi. So we are very happy to be here as part of India's 75th celebrations, and everybody happy Independence Day. तो ये खबर थी आजादी के महोत्सव की कनाडा से. ब्यूरो रिपोर्ट, बात देश की.